Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. कल का इंतजार नहीं किया माता रानी ने, आज ही करवा दी अनुज और अनुपमा की शादी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज जो हवन के टाइम पे हुआ वो देख के मजा आ गया दोस्तों। अगर अभी भी अनुज और अनुपमा ये समझते हैं कि हमारी शादी नहीं हुई है तो गलत है, शादी तो हो गई भाई। आप लोगों को भी ये समझना चाहिए। और क्या होता है शादी, सात वचन हो गए, वरमाला होगी कान्हा जी के सामने, बंधन बंध गया तो बचा क्या, मंगलसूत्र और सिंदूर जो प्रतीक है शादी के, वो भी हो जाएगा। बट अल्टीमेटली ये जो मेन चीजें हैं वो हो गई। तो बात करते हैं माता रानी के इस आशीर्वाद की। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, इंसान का मन बड़ा ही अजीब होता है। 10 पॉजिटिव चीजें हो जाए और 2 नेगेटिव हो जाए तो ध्यान नेगेटिव चीजों की तरफ ही जाता है। वही आज अनुज अनुपमा के रिलेशनशिप में हमने देखा। जब से ये मिले हैं, शादी की बातें शुरू हुई हैं, तब से कितने सिग्नल मिले हैं जो पॉजिटिवली इस बात को कहते हैं। कान्हा जी का सिग्नल, मौत के मुंह से वापस आना, सबसे बड़ा सिग्नल तो वही है, तुम एक दूसरे के लिए ही बने हो, ये सिग्नल। उसके बाद एक के बाद एक सिग्नल मिलते रहे इनको, और उसमें कुछ कम सिग्नल थे जो इनके लिए नेगेटिव जो है थॉट देके जाते थे। मगर अनुपमा का ध्यान उन्हीं थॉट्स पे, क्योंकि अनुपमा डरी हुई है, उसके चेहरे से वो डर साफ साफ दिखाई देता है। तो यहां पे अनुपमा को अपनी पॉलिसी अप्लाई करने की जरूरत है कि पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आज जो हवन के समय पे हुआ वो बहुत ही अच्छा था। माता रानी के सामने हवन संपन्न हुआ, 2 वरमालाएं एक दूसरे के गले में गिरी, दुपट्टा चुनरी माता रानी की वो उन दोनों के हाथों पे आई ताकि ये उनके शादी के बंधन का प्रतीक हो। और ये होते ही उनके अंदर भी शादी वाली फीलिंग आई, वो सात वचन दे डाले जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि हम अब ऐसे मिलेंगे कि कभी जुदा नहीं होंगे। तो जो भी डर रहे हैं कि मान अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, मान अलग नहीं होंगे। तो ये सारी चीजें आज यही दिखाती हैं कि माता रानी ने इनकी शादी कर दी है भाई, ये अब पति पत्नी ही है। जो दुनियावी शादी है वो तो हो ही जाएगी, मगर जो जिसको गंधर्व विवाह बोल लो या आप दिल से दिल का विवाह बोल लो, वो माता रानी की प्रेजेंस में हो गया है। तो माता रानी ने वेट नहीं की है कि कल करेंगे या परसों करेंगे या इस काम के बाद करेंगे, माता रानी ने तुरंत कर दिया क्योंकि उनको पता है कि आगे क्या होने वाला है। तो मुझे तो ये सिग्नल बहुत अच्छा लगा, और अब आगे देखते हैं क्योंकि बहुत बड़ा कांड हुआ है, तो क्या क्या कुछ आगे देखने को मिलता है। तो क्या कहते हो आप इस शादी के बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।